जब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास दो अप्रोचेस होती है जिसे आप फॉलो कर सकते हो। पहला थीमेटिक इन्वेस्टमेंट और दूसरा इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। एंजल वन टीम ने वेरी रिसेंटली एक पोल रन किया और उसमें हमने आप सबसे ये पूछा कि विच इन्वेस्टमेंट डू यू प्रेफर द मोस्ट, थीमेटिक और इंडिविजुअल। और 83% लोगों ने बोला कि उनको इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट पसंद है और 17% लोगों ने बोला थीमेटिक इन्वेस्टमेंट। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन थीमेटिक इन्वेस्टमेंट एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एंड विच ऑप्शन विल वर्क बेटर फॉर यू। आई एम अपराजिता और आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग आइडियाज बाय एंजल वन, जहां इन्वेस्टमेंट से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते हैं। बट इसके पहले कि आज का वीडियो आगे बढ़ाया जाए, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कीप रिसीविंग नोटिफिकेशंस फॉर ऑल न्यू वीडियोस। थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको स्टॉक मार्केट ट्रेंड्स को परखना आना चाहिए कि ऐसे कौन से इमर्जिंग ट्रेंडिंग आइडियाज हैं जिनमें आपका अच्छा रिटर्न बन सकता है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रिक व्हीकल एज अ थीम हैज बीन क्वाइट पॉपुलर अभी कुछ समय से, और अभी अगर हम देखें तो समर्स की शुरुआत हो चुकी है, तो इसीलिए होटल एंड टूरिज्म कैन ऑल्सो बी अ पॉपुलर थीम। और इसी से जुड़ी हुई एक और थीम है मल्टीप्लेक्सेस। तो अभी जब कोविड रूल्स में रिलैक्सेशन मिल गई है, सो इट हैज प्रॉम्प्टेड पीपल टू मूव आउट टू वॉच मूवीज, तो मल्टीप्लेक्सेस भी एक अच्छी थीम हो सकती है। तो थीमेटिक इन्वेस्टमेंट आपके सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट्स की तरह ही होते हैं, जैसे कि पावर सेक्टर, आईटी सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर। हाँ, डिफरेंस बस इतना है कि थीमेटिक इन्वेस्टमेंट्स और भी ज्यादा नैरोड होते हैं कंपेयर टू योर सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से जुड़ा हुआ अगर हम सेक्टर देखेंगे तो वो हुआ पावर सेक्टर। तो अगर आप पावर कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे, दैट इज योर सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट। मगर अगर हम थीम्स की बात करें, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी रूरल विलेजेस में पहुंचेगी तो सबसे पहले वहां पे लोग क्या करेंगे, दे विल बाय कैपिटल गुड्स। तो वो लाइट्स खरीदेंगे, फैन खरीदेंगे, टीवी, फ्रिज, वो ये सब कैपिटल गुड्स आइटम खरीदेंगे, तो रूरल कंजम्पशन थीम होगा। लेकिन अगर आप पावर कंपनीज में इन्वेस्ट करोगे तो वो एक सेक्टोरल इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसी तरह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्लीन एनर्जी, डिजिटल इंक्लूजन, ये सब भी आपकी स्पेसिफिक थीम्स हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट तो काफी सिंपल है। तो जब आप डायरेक्टली इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, गोइंग बाय इट्स फाइनेंशियल्स, बिजनेस मॉडल, एनी फ्रेश न्यूज ट्रिगर या कोई और लेटेस्ट डेवलपमेंट, तो उसको हम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, यानी कि डायरेक्टली स्टॉक्स में, इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। और आपको ज्यादातर डिस्कशन इंडिविजुअल स्टॉक्स के अराउंड ही सुनने में मिलता है, एंड स्पेशली ड्यूरिंग अर्निंग सीजन, जब एक एक करके हर एक कंपनी अपने रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स को डिक्लेयर करती है, तो इस टाइम पे मोस्टली इंडिविजुअल स्टॉक इन्वेस्टमेंट पे बात हो रही होती है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन थीमेटिक इन्वेस्टमेंट एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट। तो अगर एक एग्जाम्पल देके समझाऊं, तो अगर होटल्स आपको एक ट्रेंडिंग थीम लगता है और आप होटल्स थीम के ऑल मेजर होटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, तो उसको हम बोलेंगे थीमेटिक इन्वेस्टमेंट। मगर अगर आप किसी इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाटा ग्रुप ओन इंडियन होटल्स, तो उसको हम इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो एज एन इन्वेस्टर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जब आप थीमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आपका पोर्टफोलियो एक पर्टिकुलर थीम की तरफ स्क्यूड हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड भी ज्यादा होता है। तो इसीलिए थीमेटिक इन्वेस्टमेंट में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा है, प्रॉफिट ज्यादा है तो लॉसेस के चांसेस भी ज्यादा है। तो इसीलिए अगर आप एक कॉन्जर्वेटिव इन्वेस्टर हो, तो आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट को चूज करना चाहिए। तो आपको ऑल इमर्जिंग थीम्स को आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर थीम के मेजर स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। तो इस तरह से आप अपने रिस्क को कम कर सकते हो। मगर अगर आपको थीम बेस्ड इन्वेस्टमेंट ही करना है, तो उसके भी आपके पास दो ऑप्शन है। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स जहां पे आपको रेडीमेड थीम बेस्ड बास्केट्स मिल जाती हैं, और आप डायरेक्टली उन थीम बेस्ड बास्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। मगर अगर आप चाहते हो, तो आप अपने आप भी इमर्जिंग थीम का एक बास्केट क्रिएट कर सकते हो। मगर अगर आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते हो, देन यू कैन सिंपली इन्वेस्ट इन इंडिविजुअल स्टॉक्स ऑफ स्पेसिफिक थीम्स। तो ये तो हुई हमारी अंडरस्टैंडिंग। आपको क्या लगता है, आपको थीमेटिक इन्वेस्टमेंट ज्यादा पसंद आएगा या इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट, ये हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नाउ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। आई सी यू सून इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग आइडियाज। टिल देन टेक केयर एंड इन्वेस्ट वेल। इन
investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.